उद्देश्य गुड़हल और रजनीगंधा के पौधों के विविध भागों का निरीक्षण करना और वर्गीकरण के कारणों के अनुसार उनमें क्या अंतर है, ये हमें स्पष्ट करना है। आवश्यक उपकरण लेंसेस, पॉइंटर और कटर। प्रस्तावना। बच्चों, हमने हमारे पहले प्रयोग में विविध प्रकार के वनस्पतियों के नमूनों द्वारा वे वनस्पति जगत के किस विभाग से है इसके बारे में अध्ययन किया। हमने पाया कि और उच्चतम विकसित विभाग जो सबसे अंत में विकसित हुआ वह आवृत्ति बीजी वनस्पतियों का है। इस विभाग में जो पौधे आते हैं वे फूल, बीज और ऐसे फल जिनमें बीज होते हैं, इन सब का निर्माण करते हैं। आवृत्त बीजी वनस्पतियों के आगे जाकर द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभाजित किया जाता है। इस प्रयोग में हम इन्हीं दो गुटों में से एक एक नमूने के तौर पर देखेंगे ताकि हम इनके अंतर के बारे में अध्ययन कर सके। सामग्री। गुड़हल और रजनीगंधा का पौधा जिनमें फूल है, या फिर आपके पास मिलने वाले इस प्रकार के कोई भी दो प्रकार के पौधे। प्रक्रिया। गुड़हल और रजनीगंधा की जड़ों का, तने का और फूलों का निरीक्षण और अध्ययन करें और उनकी विशेषताओं को आप लिख लें। निरीक्षण। गुड़हल के पौधे की जड़ें मूसला होती है। रजनीगंधा के पौधों की जड़ें तंतुमय और रेतेदार होती है। गुड़हल एक प्रकार का छोटा पौधा है जिसका तना मजबूत, काष्ठमय और शाखाओं के साथ है। तना ऊंचा भी होता है और तने का व्यास भी बढ़ता है। तने के व्यास बढ़ने को द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। रजनीगंधा का तना शाखा रहित और बूटी के समान है। इसका तना कभी कभी ऊंचाई में बढ़ता है पर व्यास नहीं बढ़ता। गुड़हल के पत्ते जालीदार शिरा विन्यास होते हैं। रजनीगंधा के पत्ते समांतर शिरा विन्यास होते हैं। गुड़हल के फूल तने पर एकाकी उगते हैं और उनमें खुशबू नहीं होती। इसके फूल पांच भागों वाले होते हैं। इन्हें पंचभागी भी कहा जाता है। इसी कारण इनमें पंचशंकु समरूपता होती है। गुड़हल के फूल में डंठल होता है। कैलिक्स और करोला भिन्न होते हैं। गुड़हल के फूल में अनगिनत पुंकेसर होते हैं। रजनीगंधा के फूलों में सुगंध होती है और वे तने पर गुच्छों में उगते हैं जिसे पुष्पित होना कहते हैं। इनके फूल तीन या तीन की आवृत्ति में होते हैं। इसी कारण इनमें त्रितयी समरूपता होती है। रजनीगंधा के फूल में डंठल नहीं होता। रजनीगंधा के फूलों में भिन्न कैलिक्स और करोला होने की बजाय एक ही भाग होता है जिसे पेरिंथ कहा जाता है। रजनीगंधा के फूल में केवल छह पुंकेसर होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आज द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों के नमूनों के आधार पर उनका अध्ययन किया है।